भोपाल की उत्तर विधानसभा में कांग्रेस के आतिफ अकील को बड़ी जीत मिली है। वहीं चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरिफ अकील और आतिफ अकील के समर्थक और गुंडे उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा में भाजपा के चार कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज होकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शाहजहानाबाद थाने का घेराव किया। भाजपा उम्मीदवार आलोक शर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरिफ अकील और आतिफ अकील के समर्थक और गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है, पर पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार कांग्रेस के गुंडे आतिफ अकील के छर्रे तलवारें ले लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं पे हमले कर रहे हैं। पिछले 3 दिन के अंदर 9 वारदातें हुई हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 6 लोग एडमिट हैं हमीदिया हॉस्पिटल में, छुरियों से हमले कर रहे हैं, तलवारों से हमला कर जो गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आतिफ अकील गुंडागर्दी कर रहा है पूरे उत्तर विधानसभा में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान दाजी ढालिया, उनके ऊपर हमला हुआ है, सर में छुरी मारी है, पेट में छुरी मारी है, जांग में छुरी मारी है। वो लगातार 3 दिन से टीला जमालपुरा थाने के अंदर, साजनाबाद थाने के अंदर, निषादपुरा थाने के अंदर आतिफ अकील आरिफ अकील गुंडे लगातार अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के करीब 5 कार्यकर्ताओं को घायल किया है। हमीदी हॉस्पिटल के अंदर सब भर्ती हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री आलोक शर्मा जी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।